इसमें कोई शक नहीं है कि सनी देओल एक समय में बेहद शानदार एक्टर रहे हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सनी देओल की बैक टू बैक सभी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, जैसे डकैत, सवेरे वाली गाड़ी, राम अवतार। ये वो टाइम था जब धर्मेंद्र को अपने बेटे के करियर की चिंता खाई जा रही थी। तभी धर्मेंद्र को पता चला कि डायरेक्टर राजकुमार संतोषी घायल करके एक फिल्म बना रहे हैं, इसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती को साइन किया है। तभी धर्मेंद्र ने राजकुमार संतोषी को बुलाया और उन्हें घायल फिल्म की कहानी सुनी और ये कहानी भी धर्मेंद्र को भा गई थी। तभी उन्होंने राजकुमार संतोषी से कहा कि वो इस फिल्म में सनी देओल को ले लें, लेकिन राजकुमार संतोषी ने सीधे शब्दों में जवाब देते हुए कहा कि वो मिथुन को साइन कर चुके हैं और अब हीरो नहीं बदल सकते। धर्मेंद्र के पास कोई चारा नहीं बचा था केवल मिथुन से बात करने के सिवा। ऐसे में धर्मेंद्र सीधे मिथुन के पास पहुँच गए और उन्होंने मिथुन से कहा, क्या तुम्हारी जगह ये फिल्म सनी देओल कर सकता है? और मिथुन भी धर्मेंद्र का काफी सम्मान करते थे। ऐसे में जब धर्मेंद्र खुद उनके पास चलकर गए, मिथुन उन्हें मना नहीं कर पाए और उन्होंने ये घायल फिल्म सनी देओल के खातिर छोड़ दी थी। हालांकि इस फिल्म को छोड़ने के बाद भी मिथुन के पास करने के लिए 20 फिल्में और थी। वैसे आप मिथुन और सनी देओल में किसके फैन है हमें कमेंट में